विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ उच्चैठ भगवती स्थान से सहरसा के उग्रतारा स्थान को जोड़ने वाली भारत माता धार्मिक संपर्क माला पैकेज योजना के तहत प्रस्तावित एनएच निर्माण हेतु भूमि सत्यापन किया गया। यह कार्य शनिवार को जिला से आई 6 सदस्यीय टीम द्वारा किया गया। टीम में शामिल एडीएम सह जिला भू अर्जन पदाधिकारी मोहम्मद राजिक, जिला अवन निबंधक रिंकी कुमारी, एसडीएम अशोक कुमार मंडल, डीसीएलआर शिव कुमार पंडित और सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बेनीपट्टी पहुंचकर संसार पोखर से अरेर तक उप सड़क में पड़ने वाली जमीन के किस्म का भौतिक सत्यापन किया। इस अभियान में अधिकारियों की टीम ने एनएच में पड़ने वाले भूमि के खाता व खेसरा नंबर से मिलान करते हुए यह सत्यापन किया गया कि कौन सी जमीन व्यावसायिक, आवासीय और कृषि योग्य भूखंड है, ताकि जो जमीन जिस योग्य है उसका अधिग्रहण कर उसी के अनुरूप रैयतों को सरकार द्वारा कैटेगरी वाइज निर्धारित देय अधिग्रहित मुआवजा राशि का भुगतान कराया जा सके। बता दें कि बेनीपट्टी प्रखंड सीमा तक ही मुख्यालय के संसार चौक से अरेर तक जिस जमीन का उल्लेख सर्वेक्षण में था उसका भी सत्यापन किया गया। वहीं अधिकारियों ने बताया कि रैयतों द्वारा आवश्यक सभी कागजात सौंपे जाने के बाद भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिए आवश्यकता के अनुसार कैंप भी लगाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार भारत माता धार्मिक संपर्क माला योजना के तहत तकरीबन 5000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर की दूरी में बनेगी, जो अनुमंडल क्षेत्र के धार्मिक स्थल उच्चैठ भगवती स्थान, कालिदास डीह, विद्यापति डीह और हरलाखी के कल्याणेश्वर स्थान को जोड़ते हुए सुपौल होकर सहरसा स्थित एनएच 107 में मिलेगी, जिसके तहत यह प्रस्तावित एनएच सड़क सहरघाट होते हुए बेनीपट्टी के उच्चैठ से निकलकर एनएच बेहटा, जगत, बेनीपट्टी, सरिसव, अरेर होते हुए उग्रतारा स्थान सहरसा सुपौल तक बनेगी, जिसके माध्यम से सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का परस्पर जुड़ाव हो सकेगा। इस राष्ट्रीय उच्च पथ के बाद तीनों जिलों की दूरी कम हो जाएगी। इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव वर्ष 2016 में दिया गया था और अब निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होते ही अनुमंडल क्षेत्र के लोगों में हर्ष व्याप्त है। कई लोगों ने कहा कि एनएच का निर्माण होने से बेनीपट्टी का विकास होगा। इस एनएच का निर्माण होना न केवल बेनीपट्टी के लिए सुखद है बल्कि संपूर्ण मिथिलांचल के लिए एक सौगात भी होगी। उप सड़क के निर्माण होने से सभी धार्मिक और पौराणिक स्थलों के साथ साथ मिथिलांचल का भी विकास होगा, जिसमें अनुमंडल प्रक्षेत्र के उच्चैठ भगवती स्थान, कालिदास डी, विद्यापति डी, कल्याणेश्वर स्थान और गिरजा स्थान सहित अन्य धार्मिक स्थल भी शामिल होगा। मौके पर भू अर्जन कार्यालय के प्रधान लिपिक सतीश कुमार झा और संबंधित निर्माण योजना के साइट अभियंता राहुल कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। राजस्व विभाग के अंतर्गत भारत माला प्रोजेक्ट फेज 1 का अंतर्गत जो भी भूमि अधिग्रहण किया जाना है उसके किस्म का निर्धारण होना है, इसके जिलाधिकारी द्वारा 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, वही 6 सदस्यीय कमेटी अवलोकन करेंगे ताकि रैतों को मुआवजा दिया जा सके। ये सर किस किस तरह का है, इसमें जमीन का अति किया जा रहा है? इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि ऑन स्पॉट जमीन का नेचर क्या है, यहाँ के निर्देश के आलोक में कमर्शियल है, आवासीय है या फिर कृषि जी। अभी कौन कौन सर ये टीम में शामिल है? 6 सदस्य टीम होते हैं, अध्यक्ष, एसडीएम, मैं, वर्जन पदाधिकारी, सर्वे स्टाफ, सीओ, विभागीय कार्यपालक अधिकारी। सर ये जो काम चल रहा है इसके बाद फिर इसका क्या आगे, इस क्या उद्देश्य है इसका? अभी इसका उद्देश्य है कि ऑन स्पॉट जाके आप एकदम फिजिकली नेचर देखिए कि उनको, ताकि रैतों के बीच में किसी प्रकार का संतोष नहीं है और उसका एक्चुअल भुगतान हो, जो जिस नेचर का जमीन अधिग्रहण हो रहा है उसका जो रेट है उस हिसाब से उसका भुगतान होना, इसी का मेन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य एक्चुअल